कुछ खवातीन हैं यहाँ पर और इवनिंग वॉक के लिए आई हैं और बहुत अच्छी बातें कर रही हैं ऑफ कैमरा। इनसे हमने बात की तो बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि इनके घर में, सबके घर में बच्चे तो होंगे, कैसे उनका ध्यान रखा जिंदगी भर, क्या क्या समझाया उनको, किन से बात करनी है किन से नहीं बात करनी? नहीं समझाया कि जो अननोन लोग हों उनसे बात नहीं करनी। इसमें माओं को भी चाहिए बच्चों का ख्याल करें और बच्चों को भी चाहिए कि वो उनका कहना माने, जैसे माँ बाप कहते हैं वैसे करें। बाज बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, कहना नहीं मानते, उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए फिर माएं उन्हें समझाएं क्या कह सकती हैं, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को अच्छा, बच्चे हमेशा आहिस्ता आवाज और जो धीमे लहजे में समझ जाते हैं, तो धीमे लहजे में समझाना चाहिए, हर वक्त समझाते रहना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से बच्चे ज्यादा समझते हैं। कितने बच्चे हैं घर पे? मेरे तीन पोतियां हैं। मेरे अपने कितने बच्चे? मेरे भी तीन बच्चे थे और तीन पोतियां हैं, तीन पोते हैं, तीन निवासी हैं। कैसे जिंदगी भर क्या क्या किया? रह रहे ना, तीन पोतियां सिर्फ मेरे पास रह रही हैं। तो उनको कैसे आप ट्रेन करती हैं, जिंदगी कैसे उनको सिखाती हैं, जिंदगी कैसे गुजारनी? माँ बड़ी समझदार है, बहुत ज्यादा मेरी बहू माशाल्लाह, तो वो उनको बहुत गाइड सही करती है। क्या कहती है, क्या गाइड करती रहती है? उन्हें बाहर तक बेटियां हैं ना, इसलिए गेट तक भी नहीं हम जाने देते। मेड भी आए तो हमने खुद ही दरवाजा खोलना है, कूड़े वाला आए हमने खुद देना है, दूध वाला आए हमने खुद करना है। इस तरह ज्यादातर ये केयर हम करते हैं बच्चियों की। स्कूल माँ खुद छोड़ के जाती, छोड़ने जाती है, लेने जाती है। जब पार्क में इस तरह से हम खेलने लेकर आते हैं बच्चों को, हर वक्त मैं भी होती हूँ, जो भी वो नजर होती है पूरी बच्चों ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है खासतौर पर बच्चियों पे। आप कुछ बताएंगी इस बारे में कि बच्चों को कैसे हमने सिक्योर करना है? वही जो बाजी कह रहे हैं कि बच्चों को जाहिर है प्यार से समझाना चाहिए, मार से नहीं तो समझ जाते हैं बच्चे। और जब पार्क्स में लेकर आए, शॉपिंग मॉल में लेकर जाएं, अपने पास रखें, उन्हें छोड़े नहीं कहीं, ठीक है, भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पीछे भी एक वालिद है और बच्चे का हाथ थामा हुआ है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। कल का वाकया देखे आपने, जो यहाँ एतवार के रोज हुआ है कि बच्चे को किडनैप कर लिया किसी ने, तो जब आप अपने बेटे को यहाँ लेकर आते हैं उसका हाथ पकड़ के रखते हैं, हाँ जी, क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए जब इस तरह के पब्लिक पार्क में लेकर आए, तो वो कैसे उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं? इसको बच्चे को पकड़ कर रखें, अपने हाथ में रखें, तो फिर ये जब छोड़ेंगे तो ये गुम हो जाएगा। कितने बच्चे होते हैं यहाँ? बहुत ज्यादा बच्चे हैं यहाँ, सुबह शाम आते हैं यहाँ, हाँ बच्चे को सैर कराने आते हैं यहाँ। ठीक है, ये देखिए जिस तरह से नाज़रीन बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, आपके साथ हैं ये छोटा बेबी आपके साथ है, तो आप इसको खेलने तो दे रहे हैं लेकिन इसकी सिक्योरिटी कैसे आप मुमकिन बनाते हैं, नजर रखते हैं जहाँ भी जाता है? इसको साथ ही अपने साथ साथ लेकर चलता हूँ। साथ साथ लेकर चलते हैं, मैं नजदीक ही रहता हूँ। ये जो अभी परसों बच्चा हुआ ना, वो भी मेरे साथ वाली गली में औरत ने उठाया उस बच्चा। कोई क्या कहानी थी उसकी, क्यों उन्होंने ऐसा किया? वहाँ से उसने उठाया जी, तो उनके पांच बच्चे थे उनके साथ। अच्छा। तो दो बच्चे उधर गए हैं, उस औरत ने वो उनके पास पहले बैठी हुई थी, फिर उसने उसको पकड़ा और साथ लेकर चलती गई है, यहाँ से निकली है, फिर यहाँ पैदल चलते चलते आगे गई है। मैं हूँ जब लाग में मैं रहता हूँ, मेरे घर के पास तक वहाँ उसकी तस्वीर गई है, वो फिर उसके बाद आगे तो आपने कोई डर आया कि आप अपने पोते को भी लेकर आते हैं आप? नहीं, हम डराते तो हैं, सावधान है, उसको साथ लेके आते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर करनी पड़ती है ना जी। उसके इससे बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम बेबी, कैसे हो? ठीक हूं। नाम क्या आपका? हमजा। हमजा आपका नाम है। अच्छा, अब आप कभी किसी से कोई चीज लेके खाते हो? नहीं। बुरी बात होती है ना? यस। तो और शरारते ज्यादा करते हो? नहीं। अच्छा, कोई अगर आपको कहे कि हमजा आपके दादाबू बुला रहे हैं, वो मेरे प्रोड्यूसर आपको कहे आपके दादाबू बुला रहे हैं, गेट के बाहर खड़े हैं, आप उनके साथ चले जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं जाओगे। गुड बॉय, ऐसा ही करना है। अगवा किया है ना जी बच्चा, वो बड़ी नेक परहेजगार तहज्जुद गुजार औरत, उसका मियाँ जो है ना वो गूंगा था, वाबडा में मुलाजम था, तो बस पता नहीं उनके औलाद नहीं थी, शायद ये वजह हो सकती है। सबने हमसे यही कहा है कि डेफिनेट मेरे तो साथ वाली गली में रहते हैं, यही वजह थी। हाँ, 48 घंटे पुलिस वहाँ खड़ी रही है, सुबह उसने अपने मियाँ को कहा इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और मैं मेरे को मिलने वाले नीचे आ रहे हैं, तो वो बच्चा रोने लगा, तो उसका मियाँ जो है ना उसको बाजार ले गया, उसने कहा मैं इसको ना लीज लेके देता हूँ। तो वो जब वो बाहर निकला है, आगे वो पुलिस का कैंप लगा हुआ था, उन्होंने कहा इस बच्चे को तो हम ढूंढ रहे हैं। एक और फैमिली है और काफी एजुकेटेड है, इनसे हम बात करते हैं, बच्चों को किस तरह से ये ट्रेन करते हैं और उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं इनसे जानते हैं। कितने बच्चे हैं घर में? घर में दो बच्चे हैं छोटे। तो कैसे ट्रेन कर रहे हैं उनको?
इनको ट्रेन कर रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चों पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है। आपने किसी को बच्चों के सामने कोई भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना, किसी बड़े को भी, घर में कोई सर्वेंट है उसको भी वो बड़े प्यार से ट्रीट करना है ताकि बच्चे उसका ना गलत मतलब ना लें। और उनके टीचर्स के मुतालिक भी अच्छी अच्छी बातें करनी है, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इस स्कूल में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, आपके घर में, घर से बाहर जहाँ भी जा रहे हैं, वो सब उनको अच्छा ही नज़र आना चाहिए। ऐसे में जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी लोग हैं, वो इनका गलत फ़ायदा ना उठा लें, तो उनसे दूर रखने के लिए क्या टिप्स दी हैं बच्चे को? दूर रखने के लिए बच्चों को यही टिप्स दी है कि आपने अगर जाना है बाहर मामा के साथ या बाबा के साथ या दादों के साथ, आपने फिंगर नहीं छोड़नी उनकी, ठीक है। और स्कूल्स में कार्ड्स इशू हो जाते हैं, जो कि आप जब छुट्टी के वक्त आप लेने जाते हैं बच्चों को, तो वो कार्ड आपके पास होने चाहिए, जिसके पास कार्ड हो बच्चा उसी को मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम शर्मागया शर्मिला बेबी है, तो आप कैसे करती हैं बच्चों के पेरेंटिंग, कैसे कर रही हैं, क्या क्या समझा रही हैं उन्हें? बच्चों को टाइम दें, उनकी बात जो है वो इजीली आप उसकी सुने, अच्छा प्रॉपर उनको टाइम दें, तो वो मेरा लिसनिंग बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे बोलते रहे और आप सुनते रहें। जी जी, सब काम छोड़ दें, आप उनको टाइम दें, तो मेरा नहीं ख्याल बच्चे आपसे दूर होंगे, तो आपके साथ रहेंगे। इसी तरह आप क्राउन ले आए और बच्चों को अपने साथ अपने सामने रखें। जी, अच्छी पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बच्चे आप देख सकते हैं और बॉयज है सब, और मामा कहाँ हैं आपकी? मामा वो है, मामा उधर हैं, और मामा को बताया कि आप इधर हैं? नहीं तो बताया, वो बता कि हम लोग इस एरिया में खेल रहे हैं। ये पता है, ये मुझे बताएं कि अगर कोई आपको कहे कि बाबा वाइर खड़े हैं और बुला रहे हैं, तो आप उसके साथ चले जाओगे? नहीं। ये किसने कहा कि किसी के साथ नहीं जाना? मामा और बाबा ने। अच्छी बात है, अच्छी। छोटे से और बच्चे हैं हमारे साथ, मामा कहाँ हैं? मामा वो है, और मामा के रडार में रहना है हमेशा, ठीक है, मामा की नजरों के सामने। अगर कोई आपको कहे कि वो सामने बाबा खड़े हैं, वो बुला रहे हैं आपको, उसके साथ चले जाओगे? नहीं। आप? नहीं। ये किसने सिखाया? ये मामा ने। क्या कहा मामा ने? मामा ने कहा किसी के साथ जाना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं कि आप शरारतें करते हैं ज्यादा या कम करते हैं? कम। अच्छा, और मैसेज दे दें आप देखने वाले जो बच्चे हैं कि किसी अजनबी के साथ आपने नहीं जाना, हमेशा मामा के साथ या बाबा के साथ जाना है, या दादों के साथ जाना है, या दादा बू के साथ जाना है, या कोई जिसको आप जानते हैं उनके साथ? किसी के साथ जाना है जो इनको आप जानते हो, किसी और के साथ नहीं जाना। एक और फैमिली है, वो भी हमसे बात करेंगे, उनके पास दो बेबी गर्ल्स हैं, और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसे हो? शाय है। अच्छा, बताएं कि कैसे इनको समझाते हैं कि अजनबी लोगों से बात नहीं करनी? नहीं, वो खुद केयर करनी पड़ती है, खासकर जब पार्क में या बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी उंगली वगैरह पकड़े रखते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो वालदैन होते हैं वो बैठ जाते हैं गप्पों पे, तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, तो उसकी वजह से ये हादसा पेश आते हैं। सही है, चलें एक और फैमिली है, इनसे भी हम बात करते हैं। इनके पास भी एक छोटा सा बेबी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप इसकी परवरिश कर रहे हैं, क्या क्या समझाएंगे? अभी तो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटी है अभी, अभी गर्ल है ये। अच्छा, ठीक है, तो क्या क्या समझाएंगे जब ये बोलने लग जाएगी, क्या क्या कर, क्या क्या माइंड में? हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन केयर करनी चाहिए बच्चों की। इधर बहुत से लोग आए होते हैं, फिर भी बच्चों का ख्याल रखें और इसको बच्चे को अपने साथ रखें, ये कहेंगे। और मामा क्या समझाएंगी जब बेबी बड़ी हो जाएगी? उम्मीद तो बहुत कुछ सिखाने का है, बस इसलिए लेके ये फर्स्ट टाइम लेके पार्क। मैंने कहा चलो बच्चा कुछ सीखते, घर में बैठे बैठे ना बच्चा बोर हो जाता है, तो बाहर भी देखना चाहिए। खुश हुई एकदम, वो नींद में थी हमने जगाया तो रोई भी नहीं, खेलना शुरू हो गई। मैंने कहा माशाल्लाह उसको, यानी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। जी, एक्टिविटीज जरूरी है बच्चे के लिए। आपको मालूम है एतवार के रोज यहाँ से बच्चा, मुझे रिसेंटली पता चला है, तो बड़े दुख की बात है कि इधर इस तरह के भी काम हो रहे हैं लाहौर में। ये इधर इनकी सिक्योरिटी को चाहिए कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इस तरह के काम ना हो आगे से। और पेरेंट्स के लिए कोई हिदायत? पेरेंट्स के लिए यही है, बच्चों का ध्यान रखें और उनको अपने साथ रखें, किसी पे बिलीव ना करने दें, बच्चों को किसी के पास ना जाने दें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। नाज़रीन देख रहे हैं बच्चे फ्रीली यहाँ पे घूम रहे हैं, वालिदैन जो हैं वो पीछे बेंचेस पे बैठ गए हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये माहौल है यहाँ का, और एतवार के रोज़ जो इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट से आपको बता रहे हैं। एक और फैमिली है, उनके पास हम चलते हैं, पीछे की जानिब उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि वो किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं,
बच्चों को क्या समझा रहे हैं और क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा पेरेंटिंग बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपकी बेटी है। थैंक यू। बच्चों को तरबियत में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है? एतवार के रोज़ यहाँ से एक बच्चा एक अजनबी औरत के साथ चला गया, तो बच्चों को समझाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप खुद उनको अपने आप को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह केयर करें। कैसे केयर करें? जब पार्क लेके आते हैं तो इतना कंजस्टेड है, इतनी आबादी है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो अपने बच्चों को अपने पास ही रखें। अगर वो मूवमेंट करते हैं तो भी उनके साथ खुद चले, तो अपने बच्चों की केयर हो सकती है। वो कहीं और खेलते खेलते कहीं और निकल जाते हैं या किसी और बच्चे के पीछे चलते चलते कहीं और निकलते हैं, देट्स वाई फिर बच्चे गुम भी हो जाते हैं। फिर ऐसे भी अपराध यहाँ पे होते हैं जो ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं कि कहीं किसी से हाथ लग जाए, फिर वो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। ये भी इधर भी आप, ये कौन है? ये मेरी भतीजी है। भतीजी है, तो आप जब छोटी थी, अब तो आप माशाल्लाह से समझदार लग रही हैं मुझे, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करती थी? किस किस शख्स से नहीं बात करनी, किस किस से बात करनी है? बस जिनको नहीं जानते उनसे दूर रहना होता था, और जिनके बारे में माँ बाप बताए उन्हीं के करीब जाके उन्हीं की सुननी। मामा या बाबा मना करें तो क्या ये बच्चों को करना चाहिए कि मामा की बात नहीं सुननी या बाबा की बात नहीं सुननी? क्योंकि माँ और बाप जो चीज़ बताते हैं वही अच्छी होती है, और तो कोई हमारा कोई अच्छा सोचता नहीं है। हाँ, जो मामा बाबा बताते हैं वो करना चाहिए, लेकिन बच्चों को ज़िद भी होती है, बच्चों को तो ज़िद भी होती है कि अब ये गलत क्यों है, मैं ट्राई करूँ फिर पता चले। हाँ, ये क्यों करते हैं बच्चे? बस एक होता है क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी होती है। तो अब अगर आपको मामा बाबा कहें कि बाहर नहीं जाना तो आप जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। अक्सर बच्चों को कहा जाता है आग से नहीं खेलना, तो बच्चा आग से खेलता है, जब उसका हाथ जल जाए तब समझ आती है कि मामा बाबा ने क्यों कहा था आग से नहीं खेलना। ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चों को जिद में पैदा कराओगे, उनमें जिद पैदा कराओगे। कैसे पैदा ना हो, ये क्या किया जाए कि ना हो, जिद ना हो? मतलब चीख के एकदम डरा के नहीं होना होता है बच्चों के साथ, यानी चीख हो के ओए क्या हो गया, क्यों रुको, तो ये बच्चे मजीद उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हो सकता है कुछ है। बिल्कुल नरम लहजे में आराम से समझाना पड़ता है बच्चों को, एकदम सख्ती करके नहीं, सख्ती करोगे तो वो उसके एंटी चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी टिप्स मिल रही हैं आज, तो देखने वाले जो हैं उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम मल्टीपल पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, और हर एक का जो एस्पेक्ट है वो प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। इसके अलावा नफसियाती माहिर को भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया, तो इतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स हो गए, बहुत अच्छा ये आज का प्रोग्राम जो हो गया है। यहाँ पे मजीद भी खवातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मालूम है कि यहाँ पे एतवार के रोज़ बच्चा किडनैप हो गया? नहीं, ऐसी इतों दे नहीं, ऐसी गाँव चाह। तो आप बच्चों के साथ आई हैं आज? आहो, बच्चों के साथ। बच्चे कहाँ हैं ये सारे? आहो, ये बच्चे। क्या समझाती हैं इनको कि दूसरों से बात नहीं करनी, ऐसे क्या समझाती हैं? इसको बताते हैं कि तुम लोग किसी की बात नहीं सुननी, किसी के हाथ नहीं लगना, जे अगर कोई बुलावे तो तुसी अपनी मम्माओं को बताना, अपने पापा को बताना कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं या मुझे साथ ले जा रहे हैं, इस तरह से। किसी से कोई चीज़ लेके खानी है? हाँ जी, चीज़ नहीं लेनी, कोई गिरी पड़ी है तो उसको उठाना नहीं, उसको खाना नहीं है। बच्चों को खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। बर्गर पसंद है। अगर वो वाला आदमी आपको कहे मैं बर्गर लेके दूंगा, उसके साथ चले जाओगे? नहीं नहीं। पसंद है ना बर्गर आपको? हाँ, हम नहीं जाएंगे उसके पास, क्योंकि उसमें कुछ होगा मिला हुआ। हाँ, उसमें कुछ होगा मिला हुआ। हम लेंगे तो हम फिर पतरे जाएंगे ना, बीमार हो जाएंगे, तो टीथ ऐसे होंगे ना, तो तांत पाते ताम करते हम, तो फिर तांत पाते ऐसे जाएंगे। कितने अच्छी बातें की है बच्चों ने। आइए आगे भी चलते हैं, हम और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। दरसगाह के बच्चे हैं यहाँ पे और बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी सिक्योरिटी को किस तरह से मुमकिन बनाते हैं इनके उस्ताद, और ये खुद किस तरह से चाको चौबंद रहते हैं अजनबी से बात नहीं करनी, और क्योंकि ये बल्क में आए हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं खेलने के लिए, आए हैं शाम की एक्टिविटी के लिए आए हैं, तो ये सिक्योरिटी से किस तरह से इनको ले जाते हैं वापस, ये भी हम जानेंगे, और ये खुद किस तरह से अवॉइड करते हैं अपने आप के साथ कोई इंसिडेंट होना, वो किस तरह से अवॉइड करते हैं, इनसे पूछते हैं। अगर कोई आपको कहे कि चॉकलेट दूंगा, जाओगे उसके साथ? नहीं नहीं। सिखाया किसने ये? उस्ताद ने। तो यहाँ पे
पे आते हो, कोई कभी कहता है कि आओ मैं आपको बर्गर ले दूं या झूले ले दूं, उसके साथ जाओगे? नहीं 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 बर्गर पसंद नहीं है? नहीं नहीं किसी चीज नहीं लेनी चाहिए, पसंद है पर लेनी, हाँ जी पसंद है पर लेना नहीं है जी। तो आपके उस्ताद कहाँ हैं यहाँ पे, ये बात करें उनसे कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे इतने ज्यादा ले गए आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, आपके सर पे तो इतनी जिम्मेदारी होती है, कैसे इनको समझाते हैं? बस हम ना मदरसे के अंदर जो है ना मसलन के इनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जो आपने जो है ना मसलन के पार्क में जाना है आना है, गेट पर जो है ना मसलन के आपने अंदर जाना है या वापस आना है, तो जो है ना मसलन आपने शरारतें भी नहीं करनी और जो है ना मसलन की किसी से कोई चीज़ लेनी भी नहीं है, खानी भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ कोई दे तो फिर हमें जो है ना मसलन के आप इतला करें पहले, अगर लेनी होगी तो फिर जो है ना मसलन के हम आपको इजाज़त देंगे, वरना हम इजाज़त नहीं देते। अभी मैंने इनसे पूछा कि कोई चीज़ लेके खाएंगे तो इन्होंने कहा नहीं, सब ने बोला नहीं। अब आप उस्ताद हैं, बस एक पैगाम दे दें देखने वाले जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए बच्चों के हवाले से? देखें बच्चे को एक तो अव्वल जो है ना मसलन के अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए उसकी, जो है ना मसलन के बच्चा इधर उधर जाए तो उसकी देखभाल करनी चाहिए, दूर नहीं जाने देना चाहिए, उसको अपनी सिक्योरिटी में अपनी आँख में रखना चाहिए कि बच्चा कहाँ तक जा रहा है, और जो है ना मसलन के इसकी हमारी आँख उसके उस तक जाती रहे और उसको देखते रहे, ताकि अगर ज़्यादा दूर जाए तो उसको पकड़ लेना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए कि जो है ना मसलन ऐसा ना हो कि जो है ना थोड़ा सा हमारी नज़रों से इधर उधर हो गया तो फिर वो बच्चा गायब हो जाएगा। चले एक मैसेज हम सब देंगे देखने वालों को, अजनबी लोगों से बात करनी चाहिए नहीं, किसी से कोई चीज लेके खानी चाहिए नहीं, कोई कहे हमारे साथ चलो आपके बाबा बुला रहे हैं हमें जाना चाहिए नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी आज की प्रोग्राम टॉप स्टोरी से आपके लिए मालूमात, हम लोगों ने तमाम एस्पेक्ट्स आप तक पहुंचाए हैं, बच्चों से बात की, वालिदैन से बात की, माहिर नफ्सियात से बात की है, और हमने ये भी दिखाया है कि कौन से लोग होते हैं, उनको क्या मजबूरी होती है किसी को किडनैप करने की। उस औरत ने कोई क्रिमिनल नहीं थी, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं था, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उससे ये वाकया हो गया। लेकिन साथ की फैमिली ने सफ़र किया, साथ ने खुद एक सफ़र किया है और बहुत ही होलनाक वाकया उसके साथ हुआ है। तो अवॉइड करिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करिए, उनसे बात करते रहिए, हमेशा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, और जो वो बात कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से अपने तमाम काम छोड़ के अपने बच्चों की बात सुनिए। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।